पुलिस थाना गिराब में दर्ज मारपीट के नामजद मुकदमे में पुलिस द्वारा अब ना तो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ना ही अन्य कोई ठोस कार्रवाई। मंगलवार को पीड़ित पक्ष ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में पीड़ित लक्ष्मण सिंह ने बताया कि गांव में 6 मई को कुछ लोगों द्वारा उस पर जानलेवा हमला कर गंभीर घायल कर दिया था। वहीं गिराब थाने में नामजद मुकदमा दर्ज करवाने के बावजूद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मारपीट के मामले में पुलिस द्वारा दर्ज नामजद प्रकरण के बाद भी कार्रवाई न करने के चलते पीड़ित अपने परिजनों के साथ गिराब थाना क्षेत्र के गांव सालम सिंह की बस्ती से जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर घटनाक्रम से अवगत करा ज्ञापन सौंपा। साहब कुंड भरण गयो तो गोबर रो फिर आया हो ट्रैक्टर ले 10 जना आता रोड में लाला भीटा 5-6 जना आया हो एक तो माल सिंह समीर सिंह रुग सिंह हाकम सिंह मनवर सिंह ये आया तो के माम भजे बुक गयो तो मैं आपे ट्रैक्टर चार समझ है वहाँ ओत में ना क्वाड़ी हम बाटे के जाऊँ मुकुल दित करे जी हाँ कि थोड़ा कहीं कार्रवाई करेगी ना थाना कार्रवाई करे बता 4 लाख रुपया बन नाम में की ता कार्रवाई कर कार्रवाई साहब करे को ता गरीब आदमी मैं गोटे कहीं है कौन। पीड़ित पक्ष के लोगों ने बताया कि गिराब थाने में सभी आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने के चलते हम मजबूर होकर न्याय की उम्मीद से जिला पुलिस अधीक्षक द्वार आए हैं।